Hello, student. Welcome back to my channel. Today's class, we are going to discuss the frequency response of the op Last video lecture, we discussed the two-parameter open-loop gain and closed-loop gain. The open-loop gain of the operational amplifier is very much high, that is, ten raised to the power five, and the closed-loop gain is ten raised to the power three what we observe in the open loop gain, to the open loop gain of the operational amplifier was stable stable. The number of factors are affecting on the open loop gain of the operational amplifier such as temperature, supply voltage, ageing of the component which is present in the operational amplifier and at high frequency, there is a generation of compensation capacitance. Because of this, the gain of the op-amp decreases. तो जो गेन हमें ऑब्जर्व हुआ ओपन लूप में वो स्टेबल नहीं था तो उसको स्टेबल करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर को तो निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया जो गेन निगेटिव फीडबैक देने के बाद मिला उसको बोलते हैं क्लोज लूप गेन तो जो भी ड्रॉबैक थे ओपन लूप गेन के तो ओपन लूप गेन क्या नहीं था तो स्टेबल नहीं था तो उसको स्टेबल करने का काम किसने किया तो हम लोगों ने फीडबैक दे उस गेन को स्टेबल किया उस गेन को बोला गया क्लोज लूप गेन बट एक ड्रॉबैक वहां पे मिला कि गेन हमें रिड्यूस होके मिला तो गेन कितना रिड्यूस हुआ तो टेन टू द पावर फाइव से डायरेक्ट क्लोज लूप में गेन कितना हो गया तो टेन ड्रेस टू द पावर थ्री हो गया तो गेन रिड्यूस होकर मिला बट जो गेन था ओपन लूप का उससे जो क्लोज लूप का गेन था वो काफी बेटर था काफी स्टेबल था समझ में आया तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं तो आप लोगों को ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन के बारे में क्लियर आइडिया रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशनशिप इन द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज गेन ऑफ देशन एम्पलीफायर एज देर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो उसका गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्प्लीफायर के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है वो हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ दी ऑपरेशन एम्प्लीफायर में देखने वाले हैं तो देखो द फ्रीकवेंसी रिस्पॉन्स कर्व शो दी चेंज इन दोल्टेज गेन विद फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उसका इफेक्ट वोल्टेज गेन के ऊपर कैसे हो रहा है वो स्टडी करने वाले हैं तो दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ओपन लूप गेन के बारे में भी बात करेंगे और क्लोज लूप गेन के बारे में भी बात करने वाले हैं जस्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट ओपन लूप गेन ओपन लूप गेन मतलब क्या ऐसा गेन जब आप लोग फीडबैक यूज नहीं कर रहे हो द गेन विदाउट फीडबैक इज कॉल्ड एज अ ओपन लूप गेन जो कितना है हमारे लिए तो जो 10 रेज टू द पावर 5 है और यू कैन से दैट 100 के है तो फ्रिक्वेंसी एट विच द गेन इज 70.7% परसेंट ऑफ द मैक्सिमम गेन इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करना है आप लोगों को तो जो मैक्सिमम गेन है सो फॉर द ओपन लूप द मैक्सिमम गेन इज 100 के तो उसका क्या लेना है 70.7% परसेंट लेना है तो उस गेन पे जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मिलेंगी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओपन लूप कट ऑफ फ्रिकवेंसी सो फॉर द ओपन लूप 70.7 पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ दी गेन, द गेन एट दैट टाइम इज कम आउट टू बी सेवेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड ओके okay, तो 70.7 परसेंट लिया हमने किसका तो मैक्सिमम गेन का उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी आएंगी उसको क्या बोला गया है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 70.7 परसेंट पे हमने ग्राफ प्लॉट किया और उस टाइम पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके लिए तो ओपन लूप के लिए तो कितनी आई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दी ओपन लूप टेन हर्ड्स क्लियर है बच्चों। बियॉन्ड द कट ऑफ द वोल्टेज गेन इज रोल ऑफ एट द रेट ऑफ ट्वेंटी डी बी पर डिकेट सो वॉट यू ऑब्ज़र्व? आप लोगों का ही कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद गेन क्या हो रहा है देर इज अ डिक्रीमेंट इन गेन ओके गेन फास्टली क्या हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है कितने डीबी से डिक्रीज हो रहा है तो हर एक ट्वेंटी डीबी से वो क्या हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है हर एक डिकेड में डिकेड इट मींस मल्टीप्लाइड बाय टेन देखो वन को मल्टीप्लाइड किया टेन से ओके टेन को मल्टीप्लाइड किया फिर से टेन से तो हंड्रेड आया हंड्रेड को मल्टीप्लाइड किया टेन से तो वन थाउजेंड आया तो कितने डीबी से डिक्रीज हो रहा है तो ट्वेंटी डीबी से डिक्रीज हो रहा है हर एक डिकेड में ओके okay, तो गेन क्या हो रहा है रोल ऑफ हो रहा है रोल ऑफ हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है तो कितने डीबी से डिक्रीज हो रहा है ट्वेंटी डीबी से डिक्रीज हो रहा है तो हर एक डिकेड में तो गेन क्यों डिक्रीज़ हो रहा है तो गेन इज़ डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ़ द जनरेशन ऑफ़ कंपनसीशन कैपेसिटेंस जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है कम्पनसीशन कैपेसिटेंस जनरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ़ दिस कम्पनसिएशन कैपेसिटेंस, द गेन विल बी डिक्रीजेस ट्वेंटी डी पर डिकेड ओके तो इसका इफेक्ट गेन के ऊपर ना हो तो हमने क्या यूज़ किया है तो हम लोगों ने निगेटिव फीडबैक यूज़ किया है एंड द गेन विथ निगेटिव फीडबैक इज़ कॉल्ड एज क्लोज लूप गेन क्यों नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया है क्योंकि हमें क्या ऑब्जर्व हुआ इन ओपन लूप द गेन इज डिक्रीज हमें इतना स्टेबल रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या सिर्फ इतने ही फ्रिक्वेंसी के लिए आप लोगों को स्टेबल रिस्पॉन्स मिल रहा है बाद में तो गेन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी स्टेबल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में तो आपको स्टेबल गेन चाहिए है तो आपने क्या प्रोवाइड किया बच्चों तो निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया तो जो क्लोज लूप गेन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ओपन लूप गेन सो वट इज क्लोज लूप गेन द क्लोज लूप गेन इज दन थाउजेंड तो यहाँ पे देखो जो आप लोगों को रेंज ऑफ स्टेबल गेन मिल रही है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है ओपन लूप से तो क्लोज लूप गेन ज़्यादा देर तक आप लोगों को स्टेबल है एंड आफ्टर दैट 70.7 पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ दी मैक्सिमम गेन इन केस ऑफ क्लोज लूप तो कितना आया आप लोगों का उस टाइम पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उस टाइम पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आई वन के और यू कैन से दैट थाउजेंड हर्ड्स सी द ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन्स आर कॉमन दोनों भी गेन कैसे है तो कॉमन है दोनों भी क्या हो रहे हैं उसके बाद ट्वेंटी डी बी पर डिकेट से डिक्रीज हो रहे हैं बट आप लोगों को क्या ऑब्जर्व हो रहा है ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन में तो ओपन लूप गेन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था तो क्लोज लूप गेन आप लोगों को एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए स्टेबल मिला है तो ये हम लोगों को किसने दिया तो ये हम लोगों को दिया निगेटिव फीडबैक में द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन इज 70.7 पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ द मैक्सिमम गेन उस फ्रिक्वेंसी को क्या बोला गया है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला गया है for the open loop the cutoff frequency is come out to be 10 hertz and for the closed loop the cutoff frequency is come out to be 1k or you can say that 1000 hertz clear Abhi aage the frequency at which the voltage gain equals 1 is called as unity gain frequency so what you observe in the frequency response कब आप लोगों को वोल्टेज गेन यूनिटी मिल रहा है तो वन मेगा हर्ट फ्रिक्वेंसी पे आप लोगों को वोल्टेज गेन क्या मिल रहा है तो वन के बराबर है यूनिटी के बराबर है एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आप लोगों को ड्रॉ करके दिया है दिस इज़ द कर्व फॉर IC 741. सेवन फोर वन तो IC 741 सेवन फोर वन के लिए एफ यूनिटी और यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी क्या है तो वन मेगा हर्ट्स के बराबर है क्योंकि वन मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका गेन कितना है तो वन है यूनिटी है तो एफ यूनिटी यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी क्या है आईसी सेवन फोर वन के लिए तो वन मेगा हर्स के बराबर है क्लियर है बच्चों आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया तो आप लोग आंसर दे पाओगे कि यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी क्या है आई सी सेवन फोर वन के लिए तो वन मेगा हर्स के बराबर है विच इज डिनोटेड बाय एफ यूनिटी क्लियर नाउ कम टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व इज द गेन बैंड विद प्रोडक्ट is the product of gain and the cutoff frequency. So what is the open loop gain of the operational amplifier is the 10 raised to the power 5. Yes, open loop gain of the operational amplifier is 10 raised to the power 5. It is a product of gain and the cutoff frequency and the cutoff frequency for it is 10 Hertz, right? So 10 Hertz is the cutoff frequency hai, which is nothing but what is a closed loop gain? The closed loop gain is a 10 raised to the power 3, and for this, the cutoff frequency is again 10 raised to the power 3. So, it's come out to be a 10 raised to the power 6. इज इक्वल टू दूफ द पावर सिक्स तो आप लोगों को, को क्या पता चला इन ऑल द केसेज द गेन बैंड प्रोडक्ट इज कम आउट टू बी वन मेगा हर्ड्स टेन ड्रेस टू द पावर सिक्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मेगा हर्ट्स तो कितने किसके बराबर है तो गेन तो यूनिटलेस क्वान्टिटी है और फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है तो हर्ट्स है सो फॉर आईसी सेवन फोर वन द गेन बैंड प्रोडक्ट इज कम आउट टू बी वन मेगा हर्ड्स ओके okay? हर हर एक एक आप लोग ब्लॉक को देखो वन के साथ कितना आएगा वन मेगा हट्स हंड्रेड के साथ कितना आ रहा है आप लोगों का तो टेन 10, तो हंड्रेड के इंटू टेन इज अगेन कम आउट टू बी वन मेगा हर्थ. तो आप लोगों का ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आप लोगों ने ड्रॉ किया है तो ये आप लोगों ने ऐसे वैसे ड्रॉ नहीं किया है तो हर एक गेन और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है तो वन मेगा हर्स के बराबर आ रहा है इतना एक चीज ध्यान रखो जब आप लोग क्या ड्रॉ कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉ कर रहे हो ओके तो कितना है गेन बाइंड विद प्रोडक्ट फॉर आई सी सेवन फोर वन इट्स कम आउट टू बी वन मेगा हर्स क्लियर है बच्चों विथ ऑल द थेरी रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड विथ दिस कर्व ओके तो कुछ भी डाउट होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज मोर एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब द चैनल